Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss 3D shortcut technique for GE Mathematics from the chapter. So that is parabola and आज का जो GE supertext है, so that is what common tangents cover है. Clear? So common tangents is very important questions in GE Mathematics. हर एक exam में इसका आने का possibility बहुत बहुत ज़्यादा है. So my dear friends, आज मैंने इस type का questions रखा है. So the equations of the common tangents to the parabola this, the equations of common tangents to the parabola and circle and दो parabola का बीच में जो common tangent है वो तुम्हें find करना है. Suppose इसका जो tangent का equation है क्या है ना y is equal to of y is equal to mx plus a by m. a का वैल्यू तो 1 है, so this is 1 by m है, ठीक है. a कॉमन टेंजेंट है, ये तुम क्या करोगे, x square equal to 4 into y का जगह पे इसको लिख दो, so this is what, so like this, ठीक है. अभी ये क्या होगा देखो, so this is x square minus 4mx minus 4 by m equal to 0 है, ठीक है. अभी क्या है, इसका d को 0 कर दो, d जब 0 है, so this is 16m square equal to is what, ठीक है, b square minus 4ac, so that is what, minus 4ac means क्या, plus 16m equal to 0 है. देखो ये 16 terminate हो गया, m cube equal to minus 1, so this is m का value minus 1 है. So m का वैल्यू जब माइनस वन है, सो माइनस एक्स माइनस वन, सो दैट मीन्स जो कॉमन टेंजेंट है, सो दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है, ठीक है. अभी इसके लिए क्या है, देखो ऐसा सर्किल है, सो दिस इज ऐसा सर्किल एंड ऐसा पैराबोला है, ठीक है, एंड ये कॉमन टेंजेंट है. इसके इक्वेशंस तो मैं फाइंड करने हैं. अभी पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट क्या है, y प्लस ए बाई एम टू बाई एम है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिलो, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है. सो दिस इज लाइक दिस, दिस इज ओ एम, ओ एम इक्वल टू अ रेडियस है, सो दैट इज टू रूट टू है. सो दिस इज क्लियर, सो दिस इज व्हाट. अभी ये क्या होगा देखो, ये तो सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, इस पे पुट करो, सो दिस इज व्हाट, m4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 2 है, सो दिस इज कैंसिल, अब स्क्वायरिंग कर दो, सो इट विल गेट, सो दैट इज व्हाट. देखो इसको जब स्क्वायरिंग करोगे, 2 2 तो कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या होगा, m4 m4 plus m square, so that is what, so this is equal to 1 है, so this is 2 by m4 plus m square, so that is radius, so this is equal to radius है. अभी 2 2 cancel हो गया, so that is what, like this. अभी यहीं पे m का value क्या consider करोगे, देखो m का value क्या consider करने में, so this is m4, सो ये क्या है, m4 प्लस m स्क्वायर, सो दिस इसको जब सॉल्व कर लोगे, यहीं पे एक मिस्टेक हो गया था, सो दिस इज a4 होगा, मैंने 8x पहले लिखा था, एक्चुअली ये 16x है, सो दिस इज व्हाट m स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, सो दैट इज 4 है, सो दिस इज 4, ठीक है. ए इसका साथ कैंसिल करोगे तो इधर तो, ठीक है, सो दिस इज, जब स्क्वायरिंग करोगे सो दैट इज व्हाट, 8 है, स्क्वायरिंग जब करोगे और ये क्या होगा, ये तो 16 है, सो दिस इज m4, m4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है. देखो m का वैल्यू तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, m जब 1 सेटिस्फाई करेगा, सो दिस इज क्लियर, मतलब दो पैराबोला टेंजेंट है, ए प्लस माइनस 1 दोनों ही सेटिस्फाई, ठीक है, m प्लस माइनस 1 है, सो दैट इज व्हाट, जो कॉमन टेंजेंट है, सो दैट इज प्लस माइनस x प्लस माइनस 4 है, ठीक है. दिस इज द इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है. नाउ जब इस टाइप का पैराबोला होगा, सो दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू दिस, ये भी एक क्लियर, सो ये किस टाइप का पैराबोला है, सो दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज वन ए, ए ऐसा पैराबोला है, एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा पैराबोला है, ठीक है. सो दैट मींस तुम्हें किसका इक्वेशंस चाहिए, तुम्हें इसका इक्वेशंस चाहिए,
ठीक है, क्लियर। इसका एक मैसेज चाहिए। अभी सपोज यू कंसीडर, इसका कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे एक्स इज टी, वाई इज टी स्क्वायर। अभी इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लो। इस टेंजेंट क्या होगा, y प्लस वाई वन बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन है। सो दिस इज y प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस टी एक्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टी है, क्लियर। अभी ये y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर। वाई का जगह पे इसे रखो, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। y का जगह पे जब उसको रखोगे, सो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो y का जगह पे इसको रख दो, सो दिस इज 2tx, ठीक है। सो दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2tx, एंड इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज t स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2x माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 इनटू x प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज d इक्वल टू 0। इसका d को 0 कर दो, d जब 0 होगा क्या होगा, 2t माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, माइनस 16, ठीक है, 16 4 माइनस टी स्क्वायर। सो द t इज व्हाट, व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज 4t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 16 इक्वल टू 64 माइनस, सो दैट इज व्हाट, 16 टी स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज, देखो यहीं पे 4 से तो एलिमिनेट हो रहा है सब, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 इक्वल टू 16 माइनस 40 स्क्वायर। इसको इधर ले लो, सो दिस इज 5 टी स्क्वायर एंड माइनस 40, एंड ये कितना होगा, देखो माइनस 12 इक्वल टू 0 है। सो दिस इज 5 टी स्क्वायर 60, सो दिस इज 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 60 माइनस 12 इक्वल टू 0 है। सो यहीं से देखो, एक तो वैल्यू टी का 2 हो गया और एक वैल्यू टी का क्या होगा, माइनस 6 बाई 5 है। अभी टी का वैल्यू जब 2 है, क्लियर। सो तुम्हें क्या चाहिए था, कॉमन टेंजेंट टी का वैल्यू जब 2 है, सो दिस इज 4x माइनस 4 है, ये कॉमन टेंजेंट, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे जेई एग्जाम का क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस, ये सारे जेई एडवांस का क्वेश्चंस है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। सो इसी टाइप का क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, सो माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर फॉर्चून, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, एवरीथिंग क्लियर इज इन योर हैंड। जैसा आप पढ़ाई करोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल Rest to IT. Thank you.